जेंडर एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में किसी भी डाटा को, फाइल हो, फोटो हो, वीडियो हो, म्यूजिक हो, किसी भी डाटा को बहुत ही आसानी से आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं इस वाले मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सेंड करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ सेंड वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एप्लीकेशन है, फाइल है, म्यूजिक है, फोटो है और वीडियो है, तो आपको जो भी सेंड करना हो उस वाले पे आ जाए। जैसे मैं एप्लीकेशन सेंड करना चाहता हूँ तो एप्लीकेशन वाले पे आके इस तरह मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। जैसे मैं फ़ोटो सेंड करना चाहता हूँ तो फ़ोटो वाले पे आके मुझे इस तरह फ़ोटो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यदि मैं वीडियो सेंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे वीडियो वाले पे आके मैं वीडियो को इस तरह मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक ही वीडियो को सेंड करना चाहता हूँ तो एक ही वीडियो को सेलेक्ट करके यहाँ नीचे जो सेंड का बटन दिख रहा है यहाँ पे मुझे क्लिक कर देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्लस वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह इसका इंटरफेस दिखेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको दोनों डिवाइस को कनेक्ट कैसे करना है और सेंड कैसे करना है। यहाँ तक तो आप कर ही लेंगे, यहाँ से आपको सीखना है कि यहाँ पे आपको दोनों डिवाइस को कनेक्ट और सेंड कैसे करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, इस वाले मोबाइल पे आपको रिसीव पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं इस वाले मोबाइल में इस तरह सामने खुल के आया है। तो आपको करना क्या है कि इस वाले मोबाइल को और इस वाले मोबाइल को दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो मैंने इस वाले मोबाइल से सेंड किया है और इस वाले मोबाइल से मैंने रिसीव किया है। तो देख सकते हैं दोनों मोबाइल कुछ इस तरह सामने खुल के आए हैं। तो मैं यहाँ से आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो कनेक्ट करने का सबसे इजी उपाय है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है कनेक्ट करने का, तो सबसे इजी है क्यूआर कोड की मदद से। तो इस वाले मोबाइल में मैं यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड पे इस तरह क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ इनेबल पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा कैमरा ओपन हो चुका है। उसके बाद मैं इस वाले मोबाइल पे यहाँ पे सेटअप हॉट स्पॉट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं ये अभी हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सेटअप हॉट स्पॉट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। उसके बाद फिर बैक चले जाना है आपको इस तरह। बैक जाने के बाद यहाँ ये इस तरह ऑप्शन आया, तो यहाँ इसको स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ से इसको अलाउ कर देना है नीचे से। तो देख सकते हैं ये इस तरह आ गया है। उसके बाद इस वाले मोबाइल से यहाँ पे इसको स्कैन कर लेना है। तो देख सकते हैं ये दोनों स्कैन कर लिया है और कनेक्ट हो रहा है आपस में, ये कुछ प्रोसेस कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो देख सकते हैं ये दोनों मोबाइल आपस में कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद जो फाइल मैंने सेंड किया था, देख सकते हैं वो फाइल सेंड करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं परसेंटेज बढ़ रहा है, यहाँ बता रहा है कि कितना परसेंटेज। ये जो फाइल था 294 MB का था। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी सारी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। यदि अभी भी इस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।